हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बुंदिया, जो आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, बूंदी बनाने के लिए मैंने ये गैस पे बर्तन को चढ़ा दिया है चाशनी बनाने के लिए। अब इसमें इस कटोरी से 2 कटोरी पानी डालूंगी और यही कटोरी से 1 कटोरी चीनी भी डालूंगी। अब चलिए गैस को जला लेते हैं। और वही वाला कटोरी है मेरा दूसरा, उसी से 1 कटोरी में चीनी डाल दी हूँ। ये देखिए मेरा चाशनी तैयार हो चुका है। मैं आंच को धीमा कर दी हूँ, ये चिपचिपा हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं कढ़ाई चढ़ा लेती हूँ बूंदी छानने के लिए, और आँच को मीडियम ही रखती हूँ। ये मेरा बेसन है, 1 कटोरा बेसन मैंने लिया है, और इसमें मुझे कुछ नहीं डालना है, बस पानी डालना है मुझे। ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला पेस्ट बनाना है मुझे। ये देखिए इस तरह का पेस्ट हमको बनाना है, पूरा फेट लेना है मुझे चम्मच की सहायता से। ये इस तरह का पतला होना चाहिए, ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का बैटर मेरा होना चाहिए। तो चलिए, मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब फ्लेम को मैं तेज कर लेती हूँ, और रिफाइंड ऑयल मैंने डाल दिया है इसमें। ये मेरा रिफाइन गर्म हो चुका है, मैं इस कप की सहायता से बूंदी डालूंगी। तो मैंने ये कप में बैटर डाल दिया है, ये मेरा छनोटा है। मेरा तेल गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, मैं आंच अब धीमी कर दी हूँ। अब मैं इसमें कप से अपने बैटर को डालूंगी और ये नीचे बूंदी की तरह गिरेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा बूंदी तैयार हो रहा है। एक बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, तेल को गर्म पूरा हो जाने के बाद ही आंच मुझे धीमा करके बूंदी डालना चाहिए, और ये सारी बूंदी मैं निकाल लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा बूंदी रेडी हो चुका है। तो चलिए, मैं इसे चाशनी में डाल देती हूँ। ये देखिए, मैं चाशनी में इसे डाल के मिला लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी बूंदी की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।